अच्छा, ये साइमा है मेरे साथ, और मैं हमेशा जब पढ़ाता हूँ आप लोगों को, मुआशरे में बताने की कोशिश करता हूँ, इनका ताल्लुक है डीजी खान से, और ये नानी है। लुक एट हर। जी हाँ, नानिया। नानी हो आप? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लू बेटा शादीशुदा है, लू नवासियन में जा। नवासियन? नवासियन दे कितनी उम्र है? 33 साल। शी इज 38। 38 साल की उम्र में ये नानी है, और इन्होंने अपनी और अपनी दोनों बेटियों की जो शादियां हैं वो कोई बहुत अंडर एज नहीं की, 18-18 साल की उम्र में हुई है इसकी अपनी भी। लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, ये जो हम 35 साल 36 साल लड़कियों की उम्र ले आए हैं शादी की? हमारे माशरे में तो 34-35 साल की लड़की घर बैठी है, उसकी शादी नहीं होती कि जब तक वो स्टेबल नहीं होगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगी। मुझे ये बताओ, सुन्नत के मुताबिक एक एवरेज एज में, अच्छी एज में शादी करने से क्या फायदे हुए तुम्हें? अपने बच्चों को जवान होते देखा, फायदा क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, अपने हाथ नाल जवान किए, अपने हाथ नाल उन्हें को पाले, उन्हें दे शादियां किए, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी में फर्ज अदा किए, बहुत खुशी है। कोई मसला तो नहीं हुआ जल्दी शादी का? हाँ, कोई मसला भी का नहीं था। पक्की गाल है? पक्की गाल है, कोई मसला भी कोई नहीं। इंडिपेंडेंट थी वणिच, कोई खर्चे करनिच, कोई घर चलावनिच, कोई कोई बच्चे पालनिच, कोई मसला थी? अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला भी कहीं था। अल्लाह पाक देना पे बाल पल दे, पन चार बेटे दो बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह बीवी शादी दे लाए के उंदी भी शादी 2 साल दे बाद करे सु या 3 साल दे बाद। जी हां, उंदी भी शादी करे। तीजी बेटी थी? तीजी थी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तोड़ा बेटा है? ये साडा बेटा है जी। अब ये देखें, इसका छोटे बेटों में हां, ये सबसे छोटा बेटा है, लेकिन ये खुद भी नानी है। और इनकी कह रही मैं तीसरी बेटी की भी शादी करने लगी हूं, और 2-3 साल की इनकी नवासियां हैं। जी हां, तो हेयर कम्स आवर फैमिली इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप तजाद देखें, शी इज़ फ्रॉम डीजी खान, यहाँ क्या होगा जब तक लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगी 32-33 साल की उम्र, और ये जो बैठे हैं, इवन अब रिश्ता ऐप्स, इतने फ्रॉड हो रहे हैं रिश्ता ऐप्स पर, इतना बड़ा। अब इन पे मैं आवाज़ उठाता हूँ, रिश्ता ऐप्स वाले चीखना शुरू कर देते हैं कि जी हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में रिश्ता ऐप्स आर नॉट मोर देन डेटिंग ऐप्स। बूढ़े बूढ़े माँ बाप शादियों के दफ्तरों में बैठे हुए हैं, रिश्ता ऐप्स के धक्के खा रहे हैं, और लड़कियों के साथ धोखे हो रहे हैं जी, लड़का दुबई है, लड़का कतर है, लड़का दोहा है। और वो लड़का साहब क्या होते हैं, उम्र होती है उसकी 52 साल 54 साल, दूसरी शादी के लिए अयाश बूढ़े, ये हालात हो रहे हैं रिश्ता ऐप्स के थ्रू हो रहे हैं। हमने ना वेस्ट फॉलो किया, ना वेस्ट मतलब यूरोप को फॉलो किया, वो लोग आज़ाद हो गए शादी की कैद से, लिविंग रिलेशनशिप्स में आ गए, मेंटल कंपैटिबिलिटी देखी, क्लब्स बार, उन्होंने जो जिंसी हैजान और हैवान था ना जिंस का, उसे मैनेज कर लिया। हम लोग उधर भी नहीं निकले, इधर भी हम AI पे, गर्लफ्रेंड्स और इन चक्कर में पड़ गए आर्टिफिशियल, और शादियां भी वक्त पे नहीं की ना लड़कों की, लड़के कहाँ निकल गए, टोटल बेर आ रहा। क्या हो रहा है टिकटॉक पे, ये डिजिटल फाशी, तबाइब गिरी, एक अरूज, एक अजाब, अजाब का अरूज जो कि सवाल है, ये सारा घेर लिया। और दूसरी तरफ हमने वक्त पे, ये देखिए नानी है, ये दोबारा देखें, हाँ ये खातून नानी अम्मा है, शी इज नानी अम्मा। और यहाँ 35-36-37-38 साल की जो लड़की होती है वो अभी रिश्ता देखती फिर रही होती है कि मुझे कोई अच्छा सा मिलेगा तो मैं शादी करूँगी और फिर आगे चलूँगी। तो ये हमारा फैमिली इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो 30-40 साल पहले छतों पे तरोके मार के लोग सोते थे, टीवी के एंटीने होते थे, ये डिजिटलाइजेशन नहीं थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं थी, मी टू मूवमेंट्स उस तरह के मामलात नहीं थे, और हमने वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद और डिस्ट्रॉय कर दिया। किस चक्कर में, इस चक्कर में, एंड लुक कि ये बंदी नानी है। तुम खुश रही हो जिंदगी में? आप खुश रही हो? मसला अल्हम्दुलिल्लाह, सारी जिंदगी खुश रही है। पक्की है तेरी अम्मा नानी है? पक्की गाल है? तू मामू एक ही लग गया होना था? ए मामू है। हां मामू बड़े हैं विद्या? जी हां जी हां। तो ये दीदी उम्र इच मामू बना फिर? जी हां, बड़ी बेटी दी बेटी जरे ना हरमैन है, जरे छोटी बेटी दी बेटी है उना ना अनमता है। लेकिन बेटियां दी जल्दी शादी करके या अपनी जल्दी शादी करके मॉडर्न दौर इच बेटियां दी जल्दी कोई नुकसान थी है तेको? कोई नुकसान का नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह फायदा था। जी हां, अपनी जिंदगी विच यानी के शादी कर देती है, फर्ज अदा कर देते, बुराई को लो भी बच गन बेटियां, असा भी अपने फर्ज को लो सब ठीक है से, यानी के अल्हम्दुलिल्लाह असा माशाल्लाह मुतमईन से। सो दिस इज आवर कल्चर जो हमने लॉस कर दिया, ये हमारा कल्चर था। थैंक यू वेरी मच।